मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे को लाद दिया है। 14,500 की ऊंचाई पे हम गाइस अब हम स्लेज करके जा रहे हैं कंट्रोलर राइड की तरफ, क्योंकि गिरना मत प्लीज। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड इट्स ब्राइट सनी डे इन गुलमर्ग एंड दिस इज व्हाट द व्यू लुक्स लाइक। वी आर रेडी, सौरभ इज ऑलमोस्ट रेडी, हीरा एंड पृथ्वी आर ऑल्सो गेटिंग रेडी, आई एम ऑलमोस्ट रेडी। आवाज़ बैठ गई है कल ATV करने के बाद एंड फीलिंग अ लिटिल बिट कोल्ड ऑल्सो, तो अभी दवाई ले लेते हैं इससे पहले कि और ज़्यादा हो जाए। एंड आज और ज़्यादा लेयर्स, आई एम ऑलरेडी वेयरिंग 1, 2, 3 एंड एक और लेयर पहनूंगी। एंड द प्लान फॉर द डे इज़ आज हम जा रहे हैं गंडोला राइड Phase 1 एंड Phase 2, तो आज हमारा पूरा दिन गंडोला में निकलेगा, सो वील बी कवरिंग ऑल दैट टूडे एंड लेट्स सी कैसा एक्सपीरियंस होता है। उससे पहले अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, बिकॉज ब्रेकफास्ट टाइमिंग इज़ ओनली टिल 10 एंड इट्स ऑलरेडी 9:50 राइट नाउ, तो आके पूरा यू नो फाइनल पैक फाइनल रेडी होंगे, पहले एक बार ब्रेकफास्ट कर लेते वरना हमारा ब्रेकफास्ट मिस हो जाएगा 100%। सो वी आर हियर एट द ब्रेकफास्ट टेबल एंड मेन्यू में बहुत ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। ही हैज़ ऑर्डर्ड ब्रेड ऑमलेट, आलू पराठा एंड हैविंग पकौड़ा, छोला भटूरा, ब्रेड एंड बटर। सो इसके बाद अब हम गंडोला में निकलेंगे। पृथ्वी हैज़ ऑलरेडी डन द ब्रेकफास्ट, हिना अभी आ रही है, वो करेगी आके। गाइज वी आर ऑल सेट टू गो फॉर द गंडोला राइड एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मेरे को लाद दिया है एक्चुअली। इतनी सारी लेयर्स, इतनी भारी हो गई, हाथ भी मूव नहीं कर रहा है, ग्लव्स भी पहनना है एंड एवरीबॉडी इज़ रेडी। अभी हमारे ये दो देखो पति पत्नी को रेडी नहीं हो पा रहे यार कब से। क्या हो गया तुमको पृथ्वी, तुम्हारी चाल को? गाइज वी आर गोइंग फॉर द गंडोला राइड, वॉक करके जा रहे हैं एंड बहुत स्लिपरी हो रखा है यहाँ पे, तो आराम आराम से जाना पड़ रहा है। गाइज हम गंडोला के लिए जा रहे हैं, मैं दो बार गिर चुकी हूँ सर के बल और बहुत टफ टास्क है भाई। चलो यार फिर फिसलूंगी मैं, बहुत तेज गिरी हूँ सर के बल। गोइंग फॉर द गंडोला राइड, सब एक एक बार गिर चुके हैं हीना को छोड़ के, और मैं दो बार। क्या हो गया? व्हाट हैपेंड? नथिंग। यू आर स्वेटिंग भाई, इसको भाई इसको श्रीनगर में पसीना आ रहा है क्या? गुलमर्ग में, सॉरी, क्या इंसान है भाई ये। यहाँ हम लोग 5-5, 6-6 लेयर्स पहने हैं और जा रहे हैं यहाँ से गंडोला के लिए। आई थिंक इट्स अ लॉन्ग क्यू, अभी आगे बहुत लंबी क्यू है। इतनी लंबी राइड, इतनी लंबी लाइन है गंडोला के लिए एंड लुक एट दिस, मनी स्वेटिंग भाई क्या हो। और असल वो मंदिर के लिए दर्शन की लाइन नहीं लगती ना वैसे, यहाँ पे 1.5 घंटे की भी लाइन है। गाइस वी आर गोइंग फॉर द गंडोला राइड, हमारी गंडोला आ गई है एंड वी आर ऑल सेट। जल्दी आओ जल्दी आओ। Phase 1 ऑफ गंडोला और अब हम कुछ एक्टिविटीज करने जा रहे हैं, बट हमने जो जैकेट्स रेंट करी थी उनका कोई काम नहीं आया इसलिए उतार दी। इतना ज़्यादा इतना कम टेम्परेचर नहीं है, अच्छा खासा टेम्परेचर है, शायद Phase 2 में लग सकता है, बट अभी तो बहुत डिसेंट है, मतलब बेरेबल वाला है। सो लेट्स सी, बट वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है। डू स्कीइंग, क्या ठीक लग रहा है कि गिरोगी? गिरेंगे तो नहीं। सौरभ गिरना मत प्लीज, ये एकदम रेडी है, ऑल सेट। तू फर्स्ट टाइम कर रही हो स्कीइंग? यो मैं भी, पता नहीं मैं सुबह से ऐसे बिना स्कीइंग के दो बार गिर चुकी हूँ।
बिल्कुल ऐसी बिल्कुल आराम से बिल्कुल बिल्कुल पुश मत करो आफ्टर स्कीइंग वी आर गोइंग फॉर स्नो बाइक जिसमें हिना दो बार गिरी मैं भी गिरी पृथ्वी गिरा नहीं पृथ्वी बचा सौरभ भी गिरा हम तीनों गिरे पृथ्वी नहीं गिरा बट अब हम जा रहे हैं स्नो बाइक करने के लिए एंड उसके बाद हमको फेज टू भी जाना है वहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं है व्यू है बट क्राउड बहुत है अच्छा खासा क्राउड है क्योंकि बहुत अलग से पीछे पृथ्वी ना आगे सौरभ है एंड इट्स एन अमेजिंग राइड बहुत मजा आई अभी हमने स्नो बाइक करी वो बहुत मजा है हम जा रहे हैं फेज टू के लिए एंड ओवरऑल द एक्सपीरियंस इज रियली वेरी गुड द वेदर इज नॉट दैट कोल्ड थोड़ा थोड़ा चिली हो रहा है बट या एक्स्ट्रा जैकेट पहनने की जरूरत नहीं है वार्मर्स लगाने की जरूरत नहीं है फीट वार्मर लगा रखा है एंड दैट्स इट ये देखो सौरभ जा रहा है इट्स एन अमेजिंग मजा आ रही है सब पैदल जा रहे हैं हम स्लेज पे घिसक घिसक के जा रहे हैं सौरभ हाय बेबी अब हम जा रहे हैं फेज टू के लिए एंड हमारा गंडोला भी आ गया है ये काफी हाइट पे वहाँ पे ऐसा एक्टिविटीज कोई नहीं सीनिक ब्यूटी है वर्ल्ड लॉन्गेस्ट क्या वर्ल्ड हाईएस्ट गंडोला बट मजा ये एक्सपीरियंस अच्छा था एंड काफी एक्टिविटीज भी करी हर जो क्या हुआ हाउ आर यू फीलिंग क्या हनुमान चालीसा कर रहे हैं इतनी ज्यादा हाइट पे आ गए वी आर एट द फेज टू एंड कितने 14,500 की ऊंचाई पे हम एंड दिस इज व्हाट द व्यू लुक्स लाइक माय गॉड 14,000 फीट ब्यूटीफुल 14,000 फीट 24,000 फीट एंड हल्की हल्की ऑक्सीजन की कमी है बट चाय वाले का टाइम हो रहा है मैगी वाला आएगा ना अगला मैगी वाला आएगा इंडिया का लास्ट ढाबा कॉफी मैगी कावा इधर ले लो कॉफी मैगी कावा अभी लेते हैं स्नो भी काफी स्लिपरी है हाय आपको ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही है हाँ यू फीलिंग गुड बस आराम से चलो क्या कर रहे हो तुम लोग जस्ट लुक एट द ब्यूटिफुल व्यू एंड इसको देखो हाय यू फीलिंग कोल्ड ऑक्सीजन की कमी Everything is all right. Oh, look at the dog. Oh, look at the dog. Oh. We are here at phase one at Kolhadi. Kya hai naam iska? Kolhadi. Kolahui. Danorama. Something like that. So, yahan hum aaye hain. Sandwiches aur kuch kuch khane ki bahut tez bhook lag rahi hai. And everybody is tired. So, we'll be... going to the hotel after this. Wow. Guys, we have ordered hot chocolate. तूने क्या मंगाया पृथ्वी? कैफे मोका हॉट चॉकलेट ज्यादा अच्छा लग रहा है लेकिन यार बट मेरे को ऐसा लगा ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा पी के बताओ कैसा है ना एंड ये हम जो मैंने होटल दिखाया था ना रेस्टोरेंट हम वहाँ आए हैं हाउ इज इट शुगर ऐड करना पड़ेगा थोड़ा सा
कॉफी में डिफरेंट टाइप की चॉकलेट है, मतलब हमारे साइड वाली चॉकलेट है। रुको मैं टेस्ट करती हूँ, मैं भी ट्राई कर लेती हूँ। नहीं नहीं, ये हम लोग के साइड वाली का, ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कैडबरी वाला जो प्रीमिक्स आता है ना, मैंने कैडबरी का प्रीमिक्स नहीं उस टाइप का, बट अच्छा है। We have ordered white sauce pasta. Sarav has taken the buffet, and that is chili chicken. The ambience is really nice, and buffet taste का buffet भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये अब taste करते हैं कि ये कैसा है। गाइस अब हम गंडोला से वापस जा रहे हैं और हालत ये हो गई है। आपने अच्छा किया, जंगल रणनी की रास्ता खराब। ये देखो सबकी हालत खराब है, सबके हाथ में वॉर्मर्स है, एंड मेरे तो बहुत ही ज़्यादा खराब है। आप सीधा होटल जाएंगे, अब कुछ नहीं करने की हालत है।